नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए और इंटरेस्टिंग क्रिकेट एपिसोड के सीरीज में। जल्दी जो है चालू कर देते हैं आज की भी सीरीज को, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़ा झटका लगा है, वो लगा है हमारे टीम इंडिया को। यहाँ पे जो है टीम इंडिया के सलामी ओपनर रोहित शर्मा जो है न्यूजीलैंड के सामने वनडे और टेस्ट की सीरीज से जो है कम्प्लीटली बाहर हो चुके हैं ड्यू टू काफ इंजरी, जो उनको जो है पैर पे चोट लगी थी। इसके चलते जो है रोहित शर्मा को थोड़ा सा जो है चलने में तकलीफ हो रही है, जिसके चलते जो है रोहित शर्मा दुर्भाग्यवश वनडे और टेस्ट के पूरे सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अभी तक जो है रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई है। जहां तक जो है रिपोर्ट निकल के आ रही है, मयंक अग्रवाल, शुभमन गिल और पृथ्वी शॉ, इनको जो है ओपनर के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे जो है आपको एक और न्यूज दे दूं कि जो पृथ्वी शॉ है उन्होंने जो है नेट्स में प्रैक्टिस भी चालू कर दी है, पृथ्वी शॉ और केदार जाधव ने। ऐसे में जो है बहुत ही हाई चांस है कि वनडे में जो है शायद से पृथ्वी शॉ हम सभी को ओपन करते हुए दिखाई दे सकते हैं। और टेस्ट में जो है अभी तक फिक्स नहीं है, कोई भी रिप्लेसमेंट अनाउंस नहीं हुई है। अब यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी रिपोर्ट निकल के आ रही है राजस्थान रॉयल्स के खेमे से आईपीएल 2020 को लेके। यहाँ पे जो है जो उनकी टीम है राजस्थान रॉयल्स, ये जो है फिलहाल जयपुर के मैनेजमेंट से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तब ऐसे में जो है सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है शायद से जो है जयपुर से मैचेस को शिफ्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसको लेके जो है उनकी टीम बिल्कुल भी खुश नहीं है। वहां का जो मैनेजमेंट है फिलहाल उनके टीम के लिए बिल्कुल भी फायदेमंद और बिल्कुल भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, जिसके चलते जो है शायद से आरआर की टीम अपना बेस शिफ्ट कर सकती है कोई और शहर में। अभी देखते हैं इसको लेके ये दोनों के बीच में कौन सी बातचीत चलती है जयपुर क्रिकेट स्टेडियम में और राजस्थान रॉयल्स के टीम के बीच में कौन सी बातचीत चलती है, क्या इस मामले को यहीं शांत किया जाएगा या फिर इनके बीच में कोई सेटलमेंट होगी, ये तो आने वाला वक्त ही बता देगा। अब यहाँ पे जो है बहुत ही बड़ी खबर आ रही है ग्लेन मैक्सवेल को लेके। मैक्सवेल जो है फिलहाल ऑस्ट्रेलिया की टीम से बाहर है, लेकिन यहाँ पे जो है सोर्सेस के हवाले से खबर आ रही है ग्लेन मैक्सवेल जो है रेस में शामिल हो चुकी है ऑस्ट्रेलिया के टीम में वापसी करने को लेके, जो कि होने वाली है सीरीज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस साउथ अफ्रीका। तो इसमें जो है ग्लेन मैक्सवेल वापसी कर सकते हैं बिग बैश लीग के परफॉर्मेंस को देख के, और यहाँ पे जो है ऑस्ट्रेलिया की टीम को ग्लेन मैक्सवेल की भी आवश्यकता है फिनिशिंग के तौर पे, फील्डर के तौर पे और एक जो है गेंदबाज के तौर पे। तब ऐसे में जो है ग्लेन मैक्सवेल अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत जल्द वापसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। केएल राहुल जो है फिलहाल बन चुके हैं T20 क्रिकेट में नंबर 2 बल्लेबाज। यार दोस्तों यहाँ पे जो है केएल राहुल जिस तरीके से राइज कर रहे हैं, बहुत ही जल्द जो है शायद से केएल राहुल T20 में नंबर 1 बल्लेबाज भी बन जाएंगे। लेकिन फिलहाल जो है ICC T20 रैंकिंग में जो है केएल राहुल नंबर 2 के स्थान पे आ चुके हैं, जो की बहुत ही अच्छी बात है और केएल राहुल जो है इस जगह को कम्प्लीटली डिजर्व भी करते थे। अब यहाँ पे जो है चितेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रविचंद्रन अश्विन और रिद्धिमान साहा, ये जो है चार खिलाड़ी सिलेक्शन के लिए अवेलेबल होने वाले हैं इंडिया ए की टीम की तरफ से सेकेंड अनऑफिशियल टेस्ट के लिए, जो कि होने वाला है इंडिया ए वर्सेस न्यूजीलैंड ए के बीच में, जिसके अंदर जो है रहाणे, पुजारा, अश्विन और साहा ये जो है सिलेक्शन के लिए अवेलेबल रहेंगे। अभी देखते हैं क्या इनका चयन सेकेंड अनऑफिशियल टेस्ट में होता है कि नहीं। अब यहाँ पे जो है युवराज सिंह ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है सारे पाकिस्तानी फैंस को लेके। युवराज सिंह ने कहा है जब युवराज सिंह बीच में बीमार पड़े थे तो उस समय पे जो है बहुत ही सारे पाकिस्तानी फैंस और इंडियन फैंस ने जो है युवराज सिंह के लिए काफी ज्यादा दुआ की थी, उनको जो है काफी ज्यादा मैसेज किए थे। यहाँ पे जो है इंडियन फैंस ऑब्वियसली युवराज सिंह को मैसेज करेंगे, लेकिन जो इसके अंदर पाकिस्तानी फैंस थे बहुत ही जो है ज्यादा मेजोरिटी में पाकिस्तानी फैंस ने युवराज सिंह को मैसेज किया कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाए, इनके लिए दुआ करे। तब ऐसे में जो है युवराज सिंह का जो नजरिया है पाकिस्तानी फैंस को लेके वो काफी अच्छा है। इससे जो है एक बात मालूम पड़ती है, युवराज सिंह इतने बड़े खिलाड़ी है कि इनके जो है चाहने वाले हर एक जो है देश में फैले है, क्योंकि युवराज सिंह जैसा खिलाड़ी जो है सदियों में एक बार ही पैदा होता है। अब यहाँ पे जो है टीम इंडिया के ऊपर दोबारा से 20% मैच फीस का जुर्माना लगा है, क्योंकि स्लो ओवर रेट के चलते
पांचवे T20 मुकाबले में जो है टीम इंडिया ने ओवर्स को काफी देरी से किया, जिसके चलते जो है पांचवे T20 में 20% मैच फीस का जुर्माना लगाए। बहुत लोग जो है पूछते स्लो ओवर रेट क्या है। स्लो ओवर रेट वो है, वो होता है कि आप जो है गेम के हिसाब से ओवर को नहीं डालते, मतलब कि जिस टाइम पे मैच को खत्म होना चाहिए लगभग उस टाइम में जो है गेम खत्म नहीं होता है, उससे जो है थोड़ा आगे चलता है, तब ऐसे में जो है ये होता है नतीजा स्लो ओवर रेट का, यानी कि बीच में जो है काफी ज्यादा टाइम पास होता है, इससे जो है ओवर्स को काफी स्लो फेंका जाता है। यही चलते जो है टीम इंडिया को बैक टू बैक चौथे वनडे में और चौथे T20 में और पांचवे T20 में जो है लगातार मैच फीस का जुर्माना लगा है। अब यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छी खबर आ रही है सारे क्रिकेट फैंस के लिए, जो पर्सनली क्रिकेट खेलते हैं, क्लब जाते हैं, सीखते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जो है खुद का क्रिकेट क्लब खोलने वाले हैं, जिसके अंदर जो है बच्चों को पर्सनली ट्रेनिंग दी जाएगी। फिलहाल जो है ऐसी बातचीत, ऐसी जो है प्लानिंग चल रही है कि सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जो है मिलके एक क्रिकेट क्लब खोलेंगे, जिसके अंदर सारे जो है बच्चों लोगों को सिखाया जाएगा। अभी तक जो है इसको लेके कोई भी ज्यादा खबर बाहर नहीं आई, लेकिन फिलहाल जो है आइडिया, जो प्लानिंग है, इसके ऊपर काम चल रहा है। तो भविष्य में जो है अगर ये एकेडमी चालू हो जाती है तो बहुत सारे जो है यंगस्टर प्लेयर लोग को मौका मिलेगा सीखने का और आगे जाने का भी मौका ये क्लब से मिल सकता है। अब यहाँ पे जो है कपिल देव ने बहुत ही बड़ा बयान दिया है एमएस धोनी के ऊपर। धोनी एक ऐसा नाम है जिसको लेके बयान पे बयान, स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट हमेशा बाहर आती रहती है। इस बार जो है कपिल देव ने कहा है धोनी के लिए इंडिया में वापसी करना फिलहाल थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर कोई भी खिलाड़ी लगभग 6-7 महीने से क्रिकेट नहीं खेलता है तब उसको जो है डायरेक्टली इंडिया में मौका मिले, ये जो है थोड़ा सा मुश्किल का बात दिखाई देता है। तो ऐसे में जो है धोनी ऐसा नाम है, ऐसे शख्स है कि वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो फिलहाल देखते हैं धोनी कितने जल्दी टीम इंडिया में वापसी करते हैं। अब यहाँ पे जो है जिम्बाब्वे के तेज गेंदबाज काइल जार्विस जो है हो चुके हैं बांग्लादेश के टूर से बाहर। ऐसे में जो है जिम्बाब्वे वर्सेस बांग्लादेश के बीच में पूरी सीरीज होने वाली है। उनके जो है स्ट्राइक गेंदबाज थे काइल जार्विस, दुर्भाग्यवश काइल जार्विस जो है इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं, जो कि जिम्बाब्वे के लिए बहुत ही बड़ा झटका हो चुका है। अब बात करते हैं हमारे आज के फैक्ट की। आज का फैक्ट है हमारे इंडियन प्लेयर्स को लेके। यहाँ पे जो है भारत की तरफ से यानी कि इंडिया की तरफ से खेलते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे कम उम्र में विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, उनका नाम है पीयूष चावला। यही सेम बात करते हैं वनडे क्रिकेट में, तो वनडे में जो है सचिन तेंदुलकर थे इंडिया की तरफ से खेलते हुए सबसे कम उम्र में जिन्होंने विकेट लिया था। अब बात करते हैं एडियन T20 की, तो T20 में जो है वॉशिंगटन सुंदर है वो खिलाड़ी जिन्होंने इंडिया की तरफ से खेलते हुए सबसे कम उम्र में T20 में विकेट लिया था। दोस्तों ये हो गई मेरी आज की वीडियो, आज की न्यूज, आज का फैक्ट, आज का सब कुछ मैंने आप सभी के सामने रख दिया। तो अगर आप सभी को जो है वीडियो अच्छी लगती है तो इसको एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब नहीं की हो जल्दी जो है सब्सक्राइब भी करके रख लीजिए। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और क्रिकेट खेलते रहिए।